अभी मैं मौजूद हूँ बकुलडीहा ग्राम सभा है और निचरोल से होकर के बकुलडीहा ये रोड जाता है और रोड इस रोड से हम लोग गुजर रहे थे कि अचानक रोड में पुल टूट गया था स्थानीय लोगों से हमने कुछ बातचीत किया तो पता चला कि ये पुल ढाई साल से टूटा हुआ है और किसी नेता का किसी मंत्री का इस पर नजर नहीं है और ढाई साल से इसी स्थिति में ये रोड है और तमाम जो जनता है जो ग्रामीण है वो जाते हैं जंगल के साइड से अगर जंगल में कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार कौन है ये लोगों का कहना है फिर आज ये इधर मैं दिखा देता हूँ आप सबको कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री पंकज चौधरी प्रेम सागर पटेल द्वारा शिलान्यास किया गया है तो आज स्थिति इस रोड का ऐसा है कि यहाँ से रोड से कोई गुजर नहीं पाता है चार पांच गांव को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है लेकिन लोगों को इतना कष्ट होता है कि लोग जंगल के रास्ते आते हैं इस साइड से अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होता है किसी के साथ अगर, अगर कोई जानवर किसी के ऊपर हमला कर देता तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा ऐसे में एक युवक है जो इस रास्ते से गुजर रहे थे कि आ रहे थे तो इनसे बात कर लेते हैं जान लेते हैं आखिर कैसे जाएंगे क्या नाम है आपका अब्बा जनसारी अबा जन्सारी, जन्सारी कहाँ के रहने वाले हैं पिपरिया के पिपरिया के कहा जा रहे थे आप जा रहे थे हम यहीं बकुलकुलडिया में में तो कैसे जाएंगे रोड तो बंद है अब रोड बंद है अब देखिए अब फिर चक्कर काटते हुए जाएंगे हाँ हाँ। लोग तो जंगल से भी जाते हैं नहीं तो हम जंगल से नहीं जाएंगे हाँ, डर लग रहा है क्या हाँ, डर लग रहा है हाँ, तो क्या कहेंगे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए बनना चाहिए ढाई साल से इसी इसी स्थिति में है तो क्या कहेंगे अब ढाई साल से इसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि सरकार से यहाँ के जनता बहुत परेशान है आके कैसे भी करके मजबूरियाँ यहाँ की सुई जाए और आकर बनाया जाए पुल के निर्माण तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं जंगल से अगर कोई रा आ रहा है तो कहीं उसको कि जानवर किसी कोई उसके ऊपर तो होगा? होगा तो नहीं, हाँ। नहीं बन रहा तो अच्छा तो जितने भी लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं डरे हुए है सहमे हुए हैं कि एक जंगल का रास्ता है अगर इस रास्ते से हम लोग जाएंगे तो कोई भी अनहोनी हो सकती है इधर साइड में आप लोग देख सकते हैं कि पहला का चूर, पहला छोर है इसके बाद में थोड़ा सा जंगल है और जंगल के रास्ते जब लोग आएंगे तो भाई जाह सी बात है डरेंगे, है में रहेंगे अरे इधर सीएन छोड़ दिया हमारा तो तो, कहीं कहीं रिलेशन में जाएंगे ऐसे ही सीएन छोड़ देगा तो तो हो नहीं कभी कभी आते हैं हम आ, चार महीना पांच महीना पे इधर पूरे नहीं निर्माण होने से क्या क्या समस्या हो रहा है बहुत समस्या हो रहा है जाने पड़ता है घूम के उधर से पानी है कचरा है उधर क्या क्या नहीं है सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो क्या कहेंगे? बनना बनना चाहिए चाहिए। अरे हम क्या कहे तू तो तीन साल से तो ही लौक रहा है आगे बोलते हैं, बोलते हैं, बनता है बनेगा बनेगा तो बना ही नहीं तीन साल हो गया तीन साल हो गया हाँ करते धरते तीन साल नहीं दो साल शायद हो गया बना ही नहीं तो आप लोगों ने देखा कि मैंने लोगों से बात किया और लोगों ने बताया कि काफी सारा समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम लोग इस रास्ते से पानी कचरा होते हुए आ, कई दिक्कतों का सामना करते हुए गांव में प्रवेश करते हैं आ, बाकी मेरे पीछे आप सब देख सकते हैं एक खंडर की तरह किस तरह से पुल पड़ा हुआ है और जलाजल पानी है इसके बाद इस इस रास्ते से कोई आता है तो जो समझता है कि जंगल का रास्ता है जो देखा रहता है वो तो निकल जाता है लेकिन अगर बाहरी लोग जो आते हैं यहीं से रिटर्न हो जाते हैं और काफी वो लोग निराश होकर के यहाँ से जाते हैं और काफी गुस्सा होकर के यहाँ से जाते हैं बाकी एक छोटा सा प्रयास था मैंने दिखाने का प्रयास किया मेरे दिखाने का यही मकसद था कि आखिर इस पुल का निर्माण हो जाता तो शायद चार से पांच गाँव का जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है ये सही सलामत हो जाता और लोग इस गांव में जा सकते थे इस पुल के बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा मैं हूँ राकेश चौधरी आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज जय हिंद जय भारत